हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल प्रशांत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत एंड मेरी पहली वीडियो आ चुकी है पार्ट टू के ऊपर। एंड ये पहली मेरी वीडियो ऑन डिमांड पे है जो कि सोशल बुक मार्किंग की डिमांड है। एंड ये स्वप्निल दीक्षित जी ने की थी, तो उन्हीं के लिए सबसे पहली मेरी ये वीडियो है सोशल बुक मार्किंग पे पार्ट टू की। अगर आपको सोशल बुक मार्किंग के बारे में कुछ और जानना है तो आपको मेरा पहला पार्ट देखना होगा जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देख लें, तब आपको सोशल बुक मार्किंग पता भी लग जाएगी एंड आप फिर अच्छे से बना भी पाएंगे कि कैसे सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक क्रिएट किए जाते हैं। एंड आज की वीडियो में नई वेबसाइट है, नया तरीका है बैकलिंक बनाने का। सो देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो भी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये रही पहली वेबसाइट। राइट क्लिक करके हमें करना है इसे कॉपी, देन उसके बाद ब्राउज़र में हमें इसे पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक, पेस्ट, नाउ सर्च। सबसे पहले इस पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं एंड यूज़र पैनल में रजिस्टर पे भी कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहीं से करें, यूज़र में रजिस्टर पे जाके, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मेरा तो नहीं बन रहा था, क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से बन गया। आप दोनों जगह से कहीं से भी बना के देख सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद रजिस्टर, सेव। सो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। तो यूज़र के पगल में ऐड न्यू लिस्टिंग है एंड माय अकाउंट में भी सबमिट लिस्टिंग है। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों जगह से कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त यहीं से कर लेता हूँ एंड ये खुलने के बाद सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन कंपलसरी है तो आप ज़रूर भरें, फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं भर रहा। अब करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। सो ये सबमिट हो चुका है एंड इसमें एक प्रॉब्लम है कि योर लिस्टिंग विल बी विजिबल वंस अप्रूव्ड। सो ये अप्रूवल के बाद ही पूरी तरह से विजिबल हो पाएगा, मतलब पूरी तरह से बैकलिंक क्रिएट हो पाएगा। तो आपको कुछ टाइम बाद इसमें चेक ज़रूर कर लेना है। एंड इसमें कोई शेयर का ऑप्शन भी नहीं है कि ये पोस्ट हम शेयर भी कर सकते हैं। न्यू टैब, एक बार हम प्रोफाइल में चल के देख लेते हैं। माय अकाउंट, माय लिस्टिंग, माय लिस्टिंग में ये ओपन हो ही रहा है। प्रीव्यू, लेकिन इसके यूआरएल में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये अप्रूवल के बाद ही पूरी तरह से बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक शो हो ही रहा है पेंडिंग फॉर रिव्यू। तो आप कुछ टाइम बाद ज़रूर चेक कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नंबर टू। सो अब हमें इसे भी करना है राइट क्लिक करके कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, नाउ सर्च। तो सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ये रहा ऑप्शन। देन उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसमें ध्यान रखने ये वाली बात है कि इसमें जो पासवर्ड है वो न्यूमेरिकल मैंने डाला है, क्योंकि कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे। अगर आपके कैरेक्टर्स एक्सेप्ट हो जाए तो अच्छी बात है। नाउ लॉग इन पेज, देन आपको राइट साइड में लॉग इन का पैनल दिख रहा होगा, वहाँ से हम लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्विक ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड कैटेगरी के बगल में, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे पहले। नाउ अब हमें स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ आपको दिख रहा होगा हेयर इज द स्पेशल लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपको अपने नीच से रिलेटेड करनी है। देन टाइटल एंड URL जिसका हमें बैकलिंक क्रिएट करना है, उसके बाद सबमिट। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे एक फिल्टर बुकमार्क का सर्च बार दिख रहा होगा, वहाँ पे आप अपना URL भी सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद आपको सोशल नेटवर्क में आपको अपना URL दिख जाएगा। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव अप एंड मूव डाउन भी कर सकते हैं। तो आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका
इस जगह तो ओपन हो रही है, लेकिन हमें इसका यूआरएल चाहिए जो प्राइवेट विंडो में ओपन हो जाए। तो इसका जो यूआरएल है वो प्रोफाइल का ही है, तो ये ओपन हो सकता है। तो प्राइवेट विंडो, पेस्ट एंड गो। सो यूज़र नॉट लॉग्ड इन, मतलब अभी हम इसमें लॉग इन नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट विंडो है, लेकिन आपको सोशल नेटवर्क में आपको अपना यूआरएल मिल जाएगा, ये रहा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट भी ओपन हो रही है, मतलब हमारा सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक एक और पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसमें अच्छी बात यह है, इसमें कोई रिव्यू में भी नहीं गया है एंड प्राइवेट विंडो में भी ओपन हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नंबर थर्ड। राइट क्लिक, कॉपी, ब्राउजर, पेस्ट, नाउ सर्च। तो सबसे पहले हमें सबमिट स्टोरीज पर क्लिक करना है, ये रहा इसका ऑप्शन, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे, देन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एंड ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें हमें अपना अकाउंट ही क्रिएट करना होगा। देन रजिस्टर, सो योर अकाउंट हैज़ बिन रजिस्टर्ड, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। इसी पर रहते हुए थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन, सॉरी लॉगिन हम कर चुके हैं। सबमिट स्टोरी पे दोबारा क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम अपना यूआरएल एंड टाइटल फिल कर सकते हैं, मतलब अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम अपना यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नाउ सेव, ऐड टैग्स, आप ये ज़रूर भर लें, 2 से 3 भरे तो बेहतर है। आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट, प्लीज सिलेक्ट अ कैटेगरी। सॉरी, मैं कैटेगरी सिलेक्ट करना भूल गया था, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आई एम नॉट अ रोबोट, देन सबमिट। सो योर स्टोरी हैज़ बिन सबमिटेड, हमारी स्टोरी सबमिट हो चुकी है। सो ये शो हो रहा है, लेकिन इसका हम एक बार यूआरएल चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि इस जगह तो ओपन होगा जाहिर सी बात है। एक बार हम प्राइवेट विंडो में भी ओपन करके ज़रूर देखेंगे। पेस्ट एंड गो। तो प्राइवेट विंडो में वर न्यू टैब में ओपन करते हैं, एंड इसका जो हाइपरलिंक के थ्रू बना था उस पर क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन जो मेन हमने यूआरएल डाला था वो ओपन हो रहा है, मतलब हमारा बैकलिंक तैयार हो ही चुका है, बस जो हमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो ओपन नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नंबर 4। कॉपी, पेस्ट, नाउ सर्च। तो सबसे पहले मेंबर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना अकाउंट ही क्रिएट करना होगा। देन रेगुलर लिस्टिंग लॉगिन, क्योंकि ये फ्री है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, फ्री मेंबर अकाउंट लॉगिन। वैसे इसमें बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अच्छी बात यह है हम इसमें अपना डायरेक्ट ऐड यूआरएल कर सकते हैं। तो मैं ऐड यूआरएल ही कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हमें अपना यूआरएल डालना है, देन मेल, आई हैव वेट, सबमिट योर साइट। तो हमारी वेबसाइट सबमिट हो चुकी है, योर वेबसाइट हैज़ बिन सबमिटेड एंड वी विल सेंड अ सबमिशन कन्फर्मेशन ईमेल विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के बाद आपको कन्फर्मेशन लिंक मिल जाएगा, जिसमें जिसके बाद आपका पूरी तरह से बैकलिंक तैयार हो जाएगा। तो आप चेक करते रहिएगा।
अब है नंबर 5, कॉपी, ब्राउजर, पेस्ट, सर्च। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आपको इस बात का ध्यान देना है क्योंकि इसमें बेमतलब में बहुत सारे पॉपअप शो होते रहते हैं एंड उसको ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर से इसे बंद कर देते हैं एंड ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। देन क्रिएट यूज़र, फिर से इसे बंद करते हैं। तो अब हमें जाना सबमिट और न्यू स्टोरी पर क्लिक करना है पहले, फिर से बंद करते हैं इसे। यहाँ पे हमें अपना यूआरएल डालना है, कंटिन्यू, देन उसके बाद कैटेगरी, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर फिल कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है। सेव चेंजेस एंड सबमिट। तो यहाँ तो शो हो रहा है। अब हमें करना है सेव पे क्लिक, देन गो टू सेव्ड, लिव पेज। तो यहाँ पे विजिबल तो हो नहीं रहा लेकिन ये विजिबल ही है क्योंकि क्लिक करने पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन मेन हमें चेक करना है प्राइवेट विंडो में। तो यूआरएल में चेंजेस हैं तो मैं एक बार प्राइवेट विंडो में भी ओपन करके देख लेता हूँ। न्यू प्राइवेट विंडो, पेस्ट एंड गो। तो यहाँ ओपन नहीं हो रहा, लेकिन इस जगह की बात की जाए तो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। मतलब हमारा एक बैकलिंक और तैयार हो चुका है, बस ये प्राइवेट विंडो में ओपन नहीं हो रहा। लेकिन इस वेबसाइट के यूज़र हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिससे डेली टाइम इंक्रीज होता है एंड रैंकिंग में हमें प्रेफरेंस मिलता है। मतलब हम जिस काम के लिए बैकलिंक तैयार कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। नाउ नंबर 6, कॉपी, ब्राउजर, पेस्ट, सर्च। तो सबसे पहले इसमें भी हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। इस बार मैं एडिट करके सारे पॉपअप हाइड कर दे रहा हूँ लेकिन पॉपअप तो शो हो ही रहे हैं। तो आप इरिटेट ना हो, बस थोड़ा सा सब्र करें, बैकलिंक पूरी तरह से बनने के बाद इग्नोर कर दें बेहतर ही है क्योंकि पॉपअप काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। सेव, फिर से हमें सबमिट आ न्यू स्टोरी, देन हमें यूआरएल पेस्ट करना है, कंटिन्यू। उसके बाद कैटेगरी, तो मेरे नीच से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बैकलिंक बनाने के लिए अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, न्यूज ही ठीक है। देन टैग्स, डिस्क्रिप्शन, सेव चेंजेस एंड सबमिट। नाउ सेव पे क्लिक करेंगे, देन गो टू सेव्ड में जाएंगे, लीव पेज। तो ये तो तैयार हो चुका। ये पहली वेबसाइट की तरह सिमिलर है जिसमें हमने लास्ट की वेबसाइट बनाई थी बैकलिंक। तो उसमें ओपन नहीं हुआ था, इसमें भी शायद ओपन ना हो, लेकिन तसल्ली के लिए तो एक बार चेक कर ही लेते हैं। अब बंद करते हैं इसे क्योंकि ये ओपन तो हो नहीं रही एंड इस जगह तो जाहिर सी बात है ये ओपन हो ही रही है। तो इस वेबसाइट पे यूज़र हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देर ना करते हुए हम अब नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं, नंबर 7, कॉपी, यहाँ पे हमें पेस्ट। नाउ सर्च, नाउ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। क्रिएट यूज़र, फिर से सबमिट आ न्यू स्टोरी एंड फिर से वही सारे प्रोसीजर हैं जो हमने लास्ट दो वेबसाइटों में देखे थे। यूआरएल पेस्ट करना है, देन ये कंटिन्यू, फिर सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बस इसमें भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई टॉप कैटेगरी आई नहीं सो मैं न्यूज़ ही सिलेक्ट कर देता हूँ। सेव चेंजेस एंड सबमिट। सेव में जाएंगे, फिर गो टू सेव, लीव पेज।
सो ये इस जगह तो शो हो रहा है, तसल्ली के लिए हम इसे एक बार प्राइवेट विंडो में भी ओपन करके ज़रूर देखेंगे। पेज टर्न गो। सो ये यहाँ ओपन नहीं हो रहा, इसे बंद करते हैं। लेकिन ये इस जगह तो ओपन होगा ही, मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नंबर 8। कॉपी सबमिट आर्टिकल URL, क्योंकि इसमें लिस्टिंग नहीं है, ये आर्टिकल से रिलेटेड है, तो मैंने आर्टिकल का URL ही सेव करके रख लिया, और मैंने सेव किया है गूगल ड्राइव में, ताकि अगर मुझे वो सेव करना हो तो मैं गूगल ड्राइव का URL ही पेस्ट कर दूं। तो सबसे पहले फिर से वैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, यूज़र पे जाके आपको रजिस्टर में जाना है। देन उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आई एम नॉट अ रोबोट, रजिस्टर, सेव। देन आर्टिकल में जाके आप ऐड न्यू आर्टिकल कर सकते हैं, नहीं तो आप माई अकाउंट में सबमिट आर्टिकल भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं सबमिट आर्टिकल ही कर देता हूँ इस वक्त। तो इसमें भी जैसे कि हमने लिस्टिंग में देखा था, वैसे इसमें सेम प्रोसीजर है, बस इसका सबमिट आर्टिकल है, तो इसमें डायरेक्ट हमें वेबसाइट ही डालनी है। सो जो वर्क पैड में मैंने लिख रखा है उसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न ही क्रिएट हो रहा है। बाकी हम नॉर्मली इसे क्रिएट कर ही सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बैकलिंक क्रिएट करके देखा है। एंड इस सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं पहले। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में अपना आर्टिकल ही डाल दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड है। देन उसके बाद आई एग्री, आई एम नॉट अ रोबोट, प्रीव्यू एंड सबमिट। पोस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, योर लिस्टिंग विल बी विजिबल वंस अप्रूव्ड। सो अप्रूव होने के बाद ही पूरी तरह से ये बन पाएगा, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं, बस आपको थोड़ा टाइम बाद ज़रूर चेक कर लेना है कि अप्रूव हुआ कि नहीं। नहीं हुआ तो आप चेक कर दो, मतलब दोबारा कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट में आर्टिकल में दोबारा आया हूँ, शायद यहाँ से हमें अपना URL मिल जाए, क्योंकि ये वो लिस्टिंग थी, ये आर्टिकल है। सेम कंडीशन, माई अकाउंट में भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर से माई आर्टिकल। सो ये प्रीव्यू, ये ओपन नहीं होगा वैसे, अप्रूवल के बाद ही पूरी तरह से बन पाएगा, देन प्राइवेट विंडो में भी शायद ओपन हो पाए, तो आपको चेक करते ही रहना ही है। तो देर ना करते, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नंबर 9। कॉपी सबमिट वीडियो URL, ये वीडियो से रिलेटेड है, तो मैं यूट्यूब का URL ही डाल दूंगा अगर इसमें ये वीडियो URL का ऑप्शन आया तो। अगर नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हमें साइन अप पे जाएंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। साइन अप पे जाने के बाद ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। साइन अप, सो योर रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुली, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सेव हो चुका है, एंड इसका कंफर्मेशन लिंक हमारे मेल पे आया है, तो आप ज़रूर चेक कर लें। स्पैम बॉक्स में भी जा सकता है अगर आपका प्राइमरी में नहीं आया तो, अगर आपको यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप स्पैम बॉक्स में जाके ज़रूर चेक कर लें। सो वेरीफाई करने के बाद अब हमें मेंबर लॉगिन में अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अब हमें सबसे पहले माई बुक मार्क में जाना है बैक लिंक क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद सेव सम बुक मार्क्स पर क्लिक करेंगे।
टेक्स्ट यूआरएल। जब हम इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो हमें वीडियो के जो वीडियो का बुक यूआरएल था उसको सेव करके जो हमें बुक मार्किंग करनी थी वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, तो कन्फ्यूज़न ही होगा। तो हम नॉर्मल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं नॉर्मल वेबसाइट ही का यूआरएल डाल दूंगा एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ही होगा। यहाँ पे नॉर्मली वेबसाइट एंड बाकी सारी डिटेल्स, एड बुक मार्क, योर बुक मार्क वॉज सक्सेसफुली एडेड, सेव बुक मार्क। तो सेव बुक मार्क में ऐसा कुछ नहीं है, माई प्रोफाइल में भी ऐसा कुछ नहीं है। माई बुक मार्क में फिर से आएंगे, सॉरी माई बुक मार्क में है जो हमने अभी पोस्ट किया है वो माई बुक मार्क में ही है एंड इसमें कोई शेयर का ऑप्शन नहीं है एंड इसके यूआरएल में भी कोई चेंजेस नहीं आया है। तो शायद ही ये ओपन हो प्राइवेट विंडो में, लेकिन तसल्ली के लिए हम ज़रूर चेक करेंगे। पेस्ट एंड गो। सो ये प्राइवेट विंडो में ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये इस जगह तो ओपन हो ही रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट का यूज़र हमारी वेबसाइट पे जा सकता है और जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ डेलिंग टाइम इंक्रीज़ होता है जिससे एंड रैंकिंग में प्रेफरेंस मिलता है हमें। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। पेस्ट एंड सर्च। तो इस पे भी सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो यूज़र पे जाके रजिस्टर में जाएंगे, देन उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करनी है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आई एम नॉट अ रोबोट। सबमिट, सॉरी रजिस्टर। नाउ आर्टिकल से भी आप अपना ऐड न्यू आर्टिकल कर सकते हैं, इस बार मैं यहीं से करूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने माई अकाउंट से किया था। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है कि हम नॉर्मली बना सकते हैं, तो ये बाकी सारी चीज़ें कंफ्यूजन करेंगी, क्रिएट करेंगी। तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, आप नॉर्मली तरीके से बैकलिंक क्रिएट करें तो बेहतर है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। तो नॉर्मली वेबसाइट टाइटल कैटेगरी डिस्क्रिप्शन कंपलसरी, उसमें मैं अपना आर्टिकल डालूंगा क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड है। देन आई एम नॉट अ रोबोट, प्रीव्यू एंड सबमिट। हमारा पोस्ट सबमिट हो चुका, जैसे कि आपको पहले ही पता है। योर लिस्टिंग विल बी विजिबल वंस अप्रूव्ड। सो ये अप्रूवल के बाद ही पूरी तरह से बैकलिंक हमारा क्रिएट हो पाएगा, तो आप इसे चेक करते रहिएगा। अब हम बंद करते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो भी? अगर आपने मेरा पार्ट 1 भी देखा होगा एंड मिक्स बैकलिंक की भी सीरीज देखी होगी तो आई एम डैम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ना भी अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स तो पता चलता ही रहेगा। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो भी है ऑन डिमांड पे, जो कि है गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। एंड उसके बाद जो वीडियो आएगी, अगर किसी ने मुझसे डिमांड की कि मुझे नेक्स्ट वीडियो ये चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। सो अभी कमेंट कर दे कि आपको गेस्ट पोस्टिंग के बाद कौन सी वीडियो चाहिए बैकलिंक के ऊपर। तो ऐसा कुछ तो ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।